हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने हमारी सुपर ट्रेंड प्लस डीएमआई प्लस 200 डीएमए स्ट्रेटजी को क्रिप्टो में टेस्ट किया था। रिजल्ट्स अच्छा था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंदर से जरूर चेकआउट करना। सो इन दिस वीडियो वी विल सी अनदर स्ट्रेटजी। क्रेडिट फॉर द स्ट्रेटजी गोज टू मिस्टर घनश्याम फ्रॉम आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, हु हैज अ यूट्यूब चैनल विद ओवर 400K सब्सक्राइबर्स। आप उनका चैनल देख सकते हो स्क्रीन पे। हमारे भी चैनल पे जल्दी 10K होने वाले हैं, तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो भाई जल्दी कर दो यार। सो टुडेज वीडियो इज पार्ट ऑफ अवर फेमस यूट्यूबर फ्री स्ट्रेटजी सीरीज, वेर वी टेस्ट स्ट्रेटजीज प्रोवाइडेड बाय योर फेवरेट यूट्यूबर्स एंड बैक टेस्ट दो स्ट्रेटजीज एंड कैलकुलेट द रियल विन रेट। सो टुडे वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट एन अनदर फेमस स्ट्रेटजी कॉल्ड एज 920 स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय मिस्टर घनश्याम फ्रॉम आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। स्क्रीन पे आपको ये वीडियो दिख रहा होगा। ये स्ट्रेटजी वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड स्ट्रेटजी है हमारे चैनल पे। मैं बहुत पहले ही प्लान कर रहा था इस पे वीडियो बनाने का, बट कुछ रीजन है जो मैं वीडियो के आगे बताऊंगा। वो सब देखने के बाद मैंने सोचा कि सब इसका सब फॉलोअप वीडियो आने दो, फिर बनाता हूँ इस पे वीडियो। इन्होंने अपने वीडियो में ये भी बोला था कि ये स्ट्रेटजी को लोग मॉडिफाई करके यूट्यूब पे या अपने पेड कोर्स में खुद की स्ट्रेटजी करके बताएंगे दूसरे को। आई डोंट नो इफ इट्स कॉपीड और नॉट, बट लास्ट टू लास्ट वीक हमने हमारे चैनल पे जानबूझ के सुपर ट्रेंड फ्रॉम ट्रेड स्विंग्स का वीडियो डाला था और कुछ लोगों ने नोटिस किया था और कमेंट में बोला था कि ये स्ट्रेटजी घनश्याम टेक की 920 स्ट्रेटजी से कॉपीड है। देखते हैं फिर ये ओरिजिनल स्ट्रेटजी कैसी है। ये स्ट्रेटजी एक बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी है जिसमें कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया है उन्होंने। फर्स्ट ग्लैंस में मेरे को स्ट्रेटजी थोड़ा इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी से इंस्पायर्ड लग रहा है। उनके हिसाब से बैंक निफ्टी बहुत भोला है, आपको जिस साइड जाएगा आपको उसी साइड ट्रेड लेना है। सिंस ये एक इंडेक्स स्ट्रेटजी है तो आप जानते हो हम इंडेक्स वाली स्ट्रेटजीज को फ्यूचर्स के लिए टेस्ट करते हैं। आप वो रिजल्ट देख के आइडिया लगा सकते हो कि ये स्ट्रेटजी ऑप्शन में कैसे काम करता है। तो इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं, जहां हम 920 स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय घनश्याम टेक को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे बैंक निफ्टी में और चेक करेंगे कि ये काम कैसे करता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे और बैंक निफ्टी का चार्ट प्लॉट करेंगे। सिंपली ऊपर इधर क्लिक करके बैंक निफ्टी सर्च करो तो यहाँ पर बैंक निफ्टी आएगा, उसको क्लिक करके ऐड कर दो। अब टाइम फ्रेम्स को 5 मिनट्स कर देंगे। अब जैसे मैंने इंट्रो में बोला था, ये स्ट्रेटजी में कोई भी इंडिकेटर उन्होंने यूज़ नहीं किया है, बट हम इसमें एक इंडिकेटर ऐड करेंगे कॉल्ड एज गैप डिटेक्टर। इसका यूज़ क्या है आगे रूल्स में बताता हूँ। सिंपली इंडिकेटर पे क्लिक करके हमें गैप डिटेक्टर सर्च करना है, तो ये बिटकॉइन जीसस वाला आएगा, उसको ऐड कर देंगे चार्ट पे। अब सेटिंग्स में जाएंगे और मिनिमम गैप साइज इन पिप्स को 600 कर देंगे। बेसिकली कैसा है, निफ्टी का एक पॉइंट इसके लिए 2 पिप्स है। रूल्स में आगे देखेंगे, उसमें 300 पॉइंट्स का गैप रहेगा तो हमें ये स्ट्रेटजी अवॉइड करना है, ऐसा उन्होंने अपने वीडियो में बोला था। इसलिए हम अगर 300 पॉइंट्स हैं तो यहाँ पर 600 पिप्स डाल रहे हैं। ये इंडिकेटर यूज़ करके आपको बार बार गैप का साइज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपको दिख जाएगा कि ये 300 पॉइंट्स के ऊपर है कि नहीं है। बस इतना ही, हो गया सेटअप रेडी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितना उन्होंने यूट्यूब में ये स्ट्रेटजी एक्सप्लेन किया है ना, मुझे तो वो सब्जेक्टिव लगा। जैसे उन्होंने वीडियोस में रूल्स ऐसा समझाया है कि अगर ये फर्स्ट कैंडल है तो आपको इसका हाई और लो मार्क करना है, और लेट्स से कि प्राइस हाई पे ब्रेक किया तो आपको उधर ही लॉन्ग जाना है, और जैसे ही प्राइस लो को ब्रेक किया तो आपको उधर ही शॉर्ट का एंट्री लेना है। आपका ये ट्रेड हमेशा 920 से 945 के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक मोमेंटम ट्रेड है। स्टॉप लॉस बाय के केस में सबसे सेफेस्ट कैंडल का लो होता है। अगर ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है तो आपको प्रीवियस डे क्लोज रखना है, अगर वो दोनों के बीच में होगा तो। और मिनिमम स्टॉप लॉस आपको 70-80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना है, और मिनिमम स्टॉप लॉस आपका 70-80 पॉइंट्स का होना ही चाहिए। यहाँ तक तो स्ट्रेटजी सिंपल है, बट उन्होंने अपने वीडियोस में कहीं पर भी टारगेट क्या रखना है ये बताया ही नहीं है। सिंपली बोला है यहाँ देखिए हमें यहाँ एंट्री मिला और ये देखिए ये इतना ऊपर चला गया। ये चीज़ बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, आपने देखा होगा। सिंपली बोलेंगे ये देखिए यहाँ पर एंट्री मिला और ये देखिए ये कितना ऊपर गया, बट ये इतना ऊपर गया आपको एग्जिट कहाँ लेना ये तो पता होना चाहिए। जब मैंने पहले वीडियो देखा मुझे लगा शायद टारगेट सब वो नेक्स्ट वीडियो के लिए रखे हैं, इसलिए उस वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाया। डिमांड था आप लोगों का और हर कमेंट में आप डाल रहे थे कि ये स्ट्रेटजी को टेस्ट करो। अब मैं गलत चीज़ तो टेस्ट नहीं कर सकता ना, इसलिए पेशेंटली मैं दूसरे वीडियोस का वेट कर रहा था। फिर उनका नेक्स्ट वीडियो आया, वो भी देखा मैंने, बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरा एक्सपेक्टेशन था वैसा वीडियो नहीं था। इसमें भी उन्होंने सब्जेक्टिवली ही बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं और टारगेट सबके बारे में कुछ नहीं बताया। सिंपली लास्ट में बोला
टारगेट सब आपको आपके माइंडसेट के हिसाब से नहीं रखना है, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता। सीरियसली ऐसा जवाब? ऐसा है तो आपने स्टॉप लॉस भी क्यों बताया? इस वीडियो में उन्होंने क्या नहीं करना चाहिए था ये सब बताया है, जैसे आपको इवेंट डे पे ट्रेड नहीं लेना है, या जब बैंक निफ्टी अपने साइकोलॉजिकल 1000 लेवल पे हो, जैसे 36,000 या फिर 37,000 एक्सेट्रा, तब इसमें अलग तरीके से ट्रेड लेना रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लॉन्ग एंट्री ले रहे हो और अगर आपका एंट्री प्राइस 36960 से लेके 37033 के बीच में हो, तो आपको एंट्री नहीं लेना है। जैसे ही वो 37033 क्रॉस किया, तब आपको एंट्री लेना है। वैसे ही सेल के केस में, अगर वो समझो कि 36,000 के आसपास है, तो आपको 36,050 से लेके 35,970 के बीच में कोई एंट्री नहीं लेना है। लॉजिक उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बस इतना बताया कि अपने फ्यूचर के वीडियोस में बताएंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीजें उन्होंने कवर किया है, बट सिंपल टारगेट कवर नहीं किया। मैंने फिर भी वीडियो नहीं बनाया और पेशेंटली वेट किया कि हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में वो बताए, बट नेक्स्ट वीडियो में उन्होंने अपने पीएनएल स्टेटमेंट वाला ही वीडियो था। फिर मैं समझ गया कि अब रुक के कुछ मतलब नहीं है, इसके लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन करके ही मैं वीडियो डाल देता हूँ। इससे ज़्यादा रूल्स के मामले में ऑब्जेक्टिवली तो ट्रेड स्विंग ने भी कवर किया था, तो एटलीस्ट उन्होंने अपने रूल्स तो करेक्टली बताए थे। लेट मी बी क्लियर, मैं ये तीन वीडियो देख के बता रहा हूँ। अगर उन्होंने टारगेट कहीं और कवर किया है तो मैं उसके बारे में नहीं जानता और उसके लिए आई एम सॉरी। अगर उन्होंने टारगेट सब बताया है तो कमेंट्स में आप बता सकते हो मुझे, तो मैं उसका अपडेट वीडियो डाल दूंगा। और इस स्ट्रेटजी के बारे में सोचने का कुछ मतलब नहीं है, अपने मॉडिफाइड रूल्स देखते हैं। रूल्स फॉर बाय एंट्री, फर्स्ट रूल, गैप शुड नॉट बी मोर देन 300। ये सिंपली आपको ये इंडिकेटर बता देगा कि ये गैप 300 पॉइंट्स के ऊपर है कि नहीं। आप चाहे तो ये टूल यूज़ करके मेजर कर सकते हो कि ये गैप 300 पॉइंट्स के ऊपर है कि नहीं, बट आप बैक टेस्टिंग करते हो कि इंडिकेटर डायरेक्टली बता देगा तो ये सब मगजमारी होने नहीं वाला। नेक्स्ट रूल, प्राइस शुड ब्रेक फर्स्ट कैंडल हाई, फिर यू कैन ओनली एंटर बिटवीन 920 to 945। फोर्थ पॉइंट वही साइकोलॉजिकल लेवल वाला, डोंट ट्रेड बिटवीन 1000 साइकोलॉजिकल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, अगर 37,000 वाला केस देख रहे तो 36960 से लेके 37033 में के बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना है। एंट्री जैसे ही कैंडल का हाई ब्रेक होता है, आपको उधर ही एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस में भी हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है और ऑब्जेक्टिव बनाया। स्टॉप लॉस सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट कैंडल का लो रखना है। कभी कभी ये फर्स्ट कैंडल का लो बहुत बड़ा होता है स्टॉप लॉस, तो हम ऐसा सोचेंगे कि अगर ये फर्स्ट कैंडल का लो 250 पॉइंट्स के ऊपर हो तो हम प्रीवियस डे का क्लोज रखेंगे, अगर वो बीच में रहेगा तो। अगर वो भी नहीं है तो हम मैक्स स्टॉप लॉस 250 पॉइंट्स रखेंगे। सो लेट मी रिपीट, सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल का लो रखना है। अगर ये स्टॉप लॉस का लो 250 पॉइंट्स के ऊपर है तो आपको देखना है कि ये इसके बीच में कहीं प्रीवियस डे का क्लोज है क्या, तो आपको उधर रखना है। अगर वो नहीं है या फिर वो भी 250 पॉइंट्स के ऊपर है तो आपको मैक्स स्टॉप लॉस 250 पॉइंट्स का रखना है और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क। अब अगर आप ट्रेड करते हो तो मेरे हिसाब से कम 1.5 टाइम्स द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो रखना ही चाहिए। नो डाउट बहुत लोग 1:1 भी ट्रेड करते हैं, बट बिगिनर्स को मैं कभी रेकमेंड नहीं कर सकता कि आप 1:1 पे ट्रेड करो। इसलिए हम टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क इस पे टेस्ट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, ये फर्स्ट कैंडल के ऊपर ब्रेक किया है 940 को, गैप भी कम है और कोई साइकोलॉजिकल 1000 लेवल यहाँ नहीं है, तो यहाँ हम एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस कैंडल का लो रखेंगे सिंस ये 250 पॉइंट से कम है और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क, सो दैट्स अ विन। चलिए रूल्स फॉर सेल एंट्री देखते हैं। फर्स्ट रूल, गैप शुड नॉट बी मोर देन 300 पॉइंट्स। सेकंड, प्राइस शुड ब्रेक द फर्स्ट कैंडल लो। थर्ड, यू कैन ओनली टेक एंट्री बिटवीन 920 to 945। फोर्थ, डोंट ट्रेड बिटवीन 1000 साइकोलॉजिकल लेवल। लेट्स से अगर साइकोलॉजिकल लेवल 35,000 है तो आपको 35,050 से लेके 34,970 के बीच में ट्रेड नहीं लेना है, आपको ट्रेड 30 पॉइंट्स नीचे ही लेना है। एंट्री जैसे ही कैंडल का लो ब्रेक होता है आपको वहाँ एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस आपको सबसे पहले फर्स्ट कैंडल का हाई रखना है। अगर ये फर्स्ट कैंडल का हाई 250 पॉइंट से ज़्यादा है तो आपको देखना है कि उसके बीच में कहीं प्रीवियस डे का क्लोज तो नहीं है, और अगर ये प्रीवियस डे का क्लोज भी बड़ा है या फिर प्रीवियस डे का क्लोज नहीं है तो आपको मैक्स स्टॉप लॉस 250 पॉइंट्स रखना है और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क। चलिए इसका भी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यह देखिए, जस्ट यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया है 920 को, गैप भी कम है और कोई साइकोलॉजिकल लेवल नहीं है आसपास, तो यहाँ हम एंट्री लेंगे।
स्टॉप लॉस कैंडल का हाई रखेंगे सिंस ये 250 पॉइंट्स से कम है और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क, सो दिस सेटअप वॉज अ विन। चलिए आई होप स्ट्रेटेजी क्लियर है, आप उनका वीडियो भी ज़रूर देखिए अगर आपको स्ट्रेटेजी के बारे में और जानना है तो। तो इस स्ट्रेटेजी को हम 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे और इसका असली विन रेट चेक करेंगे। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। चलिए रिजल्ट देखते हैं। सो द टेस्ट आर ओवर। जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वॉज 100, उसमें से 42 वॉज विन एंड 58 वॉज लॉस। सो विन रेट हुआ 42%। टोटल गेन इन एन अकाउंट वॉज जस्ट 9.72% एंड मैक्स रन ऑन इज अ वॉपिंग -25.5%। मैक्स रिस्क पर ट्रेड 4.19% है। कंटिन्यूस विन इन अ रो इज 5 और कंटिन्यूस लूज इन अ रो इज ऑल्सो 5। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इज 12.163 मंथ्स। बिफोर आई कंटिन्यू, आई नो मुझे शायद बहुत सारे हेट मिल सकता है इस वीडियो पे, बट प्लीज़ ये समझिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। घनश्याम जी कैसे ट्रेडर है मैं पर्सनली नहीं जानता। मेरा काम है स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना और आपको रिजल्ट दिखाना, और ये स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है और इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ओनली 9.72% गेन इन 12.163 मंथ्स और ड्रॉडाउन तो -25.5% है। ये स्ट्रैटेजी से आप पैसा नहीं बना सकते, उल्टा आप तो आधे टाइम तो लॉस में ही दिखोगे। ट्रेड स्विंग्स का भी जो हमने स्ट्रैटेजी टेस्ट किया था, एटलीस्ट उसका रिजल्ट इससे कहीं अच्छा था। कॉपी किया था या नहीं किया था, बट रिजल्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी इज बेटर देन दिस। और जहाँ तक कॉपी की बात है, हर कोई कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेता ही है। ये वाली स्ट्रैटेजी भी इनसाइड कैंडल वाली इस स्ट्रैटेजी से थोड़ा इंस्पायर्ड है, और मेरे को टेस्ट करते वक्त ऐसा फील आ रहा था कि मैं अस्मिता पटेल वाली ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बेस सिमिलर है दोनों का, दोनों भी ट्रेंड फॉलो ही कर रहे हैं। आई नो बहुत लोग इनको एडमायर करते हैं, या तो इनके सीखने का स्टाइल से या तो इनका ह्यूज प्रॉफिट देख के, जो यूट्यूब में फिलहाल क्वेश्चनेबल है, क्योंकि ये लोगों को फेक PNL दिखाते हैं, ऐसे कॉन्ट्रोवर्सी भी है। मैं उसमें नहीं पढ़ने वाला, आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी, बट एज़ पर माई टेस्टिंग ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल अच्छी नहीं है एंड यू शुड अवॉइड इट। एज ऑलवेज जैसे मैं बोलता हूँ, आपको सीधी मेरी बात या किसी की बात ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। हर स्ट्रैटेजी को आपको पहले खुद टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करना है कि ये स्ट्रैटेजी कैसा है। सो आई विल ऐड दिस स्ट्रैटेजी इन द गूगल शीट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड दिस टेक द 11th पोजीशन इन द लिस्ट जस्ट अबव अस्मिता पटेल वाली स्ट्रैटेजी। यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और रिवॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी यू लाइक। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन, एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको UPI ID स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं Zerodha का लिंक डाल दूंगा। हमारे लिंक से अकाउंट बना के आप चैनल की थोड़ी हेल्प कर सकते हो। और अगर आपको ये वाली बैकटेस्टिंग शीट चाहिए तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है ये बैकटेस्टिंग शीट अपने चैनल पे, एक वीडियो सजेस्ट हो रहा होगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये वाला, आप वो ज़रूर देखना, आपको मिल जाएगा। प्लीज़ कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रैटेजी आप चाहते हैं कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज़ में, ये भी ज़रूर बताना। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरी स्ट्रैटेजीज़ के वीडियोज़ भी देख सकते हो। All the social media links will be in the description. Please follow us and show your support. More awesome contents are on the way. So see you next time.